गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ एसजे व्लॉग्स। कश्मीर एलओसी राइड के आज के इस एपिसोड में अभी हम हैं श्रीनगर में और आज हमारा प्लान है कि यहां से अभी हमें बहुत अर्जेंटली दिल्ली निकलना है। अब दिल्ली हम क्यों जा रहे हैं ये तो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये करना है कि यहाँ से करीब 15 मिनट का रास्ता है कश्मीर एयरपोर्ट का, मतलब श्रीनगर एयरपोर्ट का, फटाफट वहाँ पहुँचते हैं। ये फर्स्ट टाइम रहेगा कि मैं श्रीनगर एयरपोर्ट से फ्लाई करूँगा और वहाँ से पूरा जितने भी स्नो पीक माउंटेन है शायद दिखेंगे। श्रीनगर एयरपोर्ट एक ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ से फ्लाई करते हुए आप हिमालयस के बर्ड आई व्यू को एंजॉय कर सकते हो। लकीली मेरे पास विंडो सीट थी तो मुझे मेरे लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस मिला। दिल्ली में एसजे हेडक्वार्टर्स में आपका स्वागत। अब बात करते हैं कि आखिर क्या ऐसी बात हो गई कि मुझे कश्मीर से जल्दी जल्दी में अर्जेंटली भाग के दिल्ली आना पड़ा। एक्चुअली सर्वो जो कि इंडियन ऑयल का सब ब्रांड है वो लॉन्च कर रहा है दो प्रोडक्ट्स, एक इंजन ऑयल और एक ग्रीस, जिसको लॉन्च करने वाले हैं इंडियन ऑयल के चेयरमैन और सर्वो के ब्रांड एम्बेसडर जॉन अब्राहम। तो इंडियन ऑयल ने बोला कि शुभम भाई आप भी आओ हमारे साथ इस इवेंट में ज्वाइन करो, और उन्होंने आने जाने की फ्लाइट्स वगैरह सब कुछ अरेंज किया और बोला आपको आना पड़ेगा। तो इस वजह से हम यहाँ आए हैं और अभी वैसे 4-5 घंटे हैं इवेंट को और ये जो 7-8 दिन की राइड हुई है जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। इनफैक्ट कल भी आप देखो तो बहुत जल्दी जल्दी किरण से मुझे देर रात में श्रीनगर आना पड़ा। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना ये जो 4-5 घंटे हैं उसको यूटिलाइज किया जाए और एक बढ़िया सा मसाज लिया जाए। मसाज के लिए वैसे तो बहुत सारे नियर बाई स्पा सेंटर्स मिल जाते हैं, लेकिन टू यूटिलाइज माई टाइम मैंने बुक किया अपना पर्सनल मसाज फ्रॉम अर्बन कंपनी ऐप। इस ऐप से आप अपने नीड के अकॉर्डिंग मसाज चूज कर सकते हैं, जिसमें मैंने चूज किया पेन रिलीफ थेरेपी विथ डीप टिश्यू मसाज। अर्बन कंपनी के सारे प्रोफेशनल्स काफी हाईली ट्रेंड होते हैं एंड दे कम विथ ऑल द रिक्वायर्ड थिंग्स टू मेक योर स्पा एक्सपीरियंस प्रीमियम एंड लग्जीरियस। अर्बन कंपनी क्लीनलीनेस एंड हाइजीन का काफी ध्यान रखती है, इसलिए भैया ने आते ही मेरे सामने अपने बेड को क्लीन किया और डिस्पोजेबल बेडशीट्स प्रोवाइड किए। इतना ही नहीं, टू मेक माय एक्सपीरियंस मोर प्रीमियम भैया ने पूरे एम्बियंस को चेंज किया विद द हेल्प ऑफ म्यूजिक एंड डिफ्यूजर्स। मसाज से पहले भैया ने मुझसे मेरे डेली रूटीन और वर्क हैबिट्स के बारे में जाना ताकि वो मुझे उसके अकॉर्डिंग मसाज दे सके। मसाज के लिए भैया ने मुझे पहले सारे ऑयल्स के बारे में इन्फॉर्म किया विच हेल्प मी टू चूज द बेस्ट फॉर माई नीड। बॉडी जो क्या कौन सा मसाज था, डीप टिश्यू मसाज कंप्लीट होता है। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और मुझे बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग लगा। चंदन भाई ने बहुत अच्छे से ये मसाज किया है, इनफैक्ट इतना ज्यादा रिलैक्सिंग की लग रहा है कि हाँ अब मैं 18 दिन की राइड और कर सकता हूँ। और बाकी अगर आपको भी इसी तरीके से अर्बन कंपनी से मसाज सर्विस बुक करानी है तो ये जो नीचे स्क्रीन पे कोड आ रहा है आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने के बाद आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। फिलहाल एक काम करते हैं, इसको चेंज करते हैं, नहाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अर्बन कंपनी की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो दे लीव योर प्लेस वेरी नीट एंड क्लीन। तो रवि बढ़िया स्पा और बढ़िया नहाने के बाद आई एम बैक और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इसको अपने घर पे एक बार जरूर एक्सपीरियंस करें, बुक कीजिए और ये जो मेरा कूपन कोड है इसको भी यूज कीजिए। ट्रस्ट मी आप रिग्रेट नहीं करेंगे। मैं यार इतना ज्यादा रिलैक्स्ड और एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और अभी मुझे यहाँ से जाना है इंडियन ऑयल के इवेंट पे। उसके लिए पहले मुझे अपने दोस्त के पास चलना है और उसके साथ मैं मिलता हूँ आपको इवेंट पे। ये हमारे दोस्त है, ये है राजवीर भाई, इनका चैनल है एआरवी ब्रदर्स। थैंक यू सो मच। और लास्ट टाइम हम मिले थे जब हम गए थे होसुर प्लांट टीबीएस के कुछ काम था और इनके इधर हमारे साथ हैं अजय भाई। और इसके बाद हम पहुंचते हैं अपने इवेंट के वेन्यू पे
और इनिशियली बहुत अच्छे अच्छे डांस परफॉर्मेंस होते हैं। उसके बाद एंट्री होती है सुपरस्टार जॉन अब्राहम की। फिर इंडियन ऑयल के चेयरमैन के साथ जॉन अब्राहम रिवील करते हैं सर्वो के द ऑल न्यू हाइपर स्पोर्ट F5 फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल एंड सर्वो ग्रीस मिराकल 3। तो भाई यहां पर अपना जो इवेंट था वो खत्म हो गया है। हम यहां से जा रहे हैं, अब आज की रात कहां बिताएंगे ये डिसाइड करने। वैसे तो प्लान ये है कि जो हमारे दोस्त हैं हम उनके घर जा रहे हैं। फिलहाल भाई लोग इवेंट कैसा था? बढ़िया था, मजा आ गया। आज ये दूसरा दिन है और यहाँ से दिल्ली से आज हम वापस निकल रहे हैं कश्मीर के लिए। इवेंट हमारा ख़त्म हो गया और आज वापस हम उसी फ्लाइट पे बैठेंगे जिधर से बहुत ही सुंदर नज़ारे दिखते हैं। मैं कह सकता हूँ कि ये जो मेरा फ्लाइट था कल, ये मेरे लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट फ्लाइट था। अगर मैं व्यूज़ के बारे में बात करूँ, बहुत सुंदर नज़ारे दिखे थे कश्मीर के, जितने भी स्नो कैप माउंटेन्स थे ऐसा लग रहा था कि बस उनके जस्ट थोड़ा सा ऊपर हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं अभी T2 टर्मिनल 2 के पास हूँ और हमारी फ़्लाइट है करीब 9:45 के आसपास, जो हमें 11:30 के आसपास कश्मीर उतार देगी और फिर हम वहाँ से वापस अपनी राइड को रिज्यूम करेंगे। सर मैं चेक इन करके आ गया था एयरपोर्ट और यहाँ आके मुझे लग गई भूख और ये सबसे वन ऑफ द महंगा खाना मैं खा रहा हूँ, ये है पराठा है, दही तो उन्होंने फ्री में दिया है, पनीर भुर्जी है। और इसका जो बिल है ये देखो, मेरा सामान मैं कितना लेकर आया था, ये है करीब 345 रुपीज़ पनीर भुर्जी विथ 2 तवा पराठा। तो हम आ गए श्रीनगर और जब मैं श्रीनगर से दिल्ली जा रहा था तो मुझे ड्रॉप करने आए थे राजा भाई। ये राजा भाई के ब्रदर इन लॉ हैं, इनका नाम है अंसार भाई और अभी हम जा रहे हैं इनके घर जहां पर हमारी बाइक है। बाइक को लेना है, फ्रेश होना है और उसके बाद फटाफट निकलना है यहां से अपनी राइड को कंटिन्यू करने के लिए जहाँ से हम आए थे। हम आए थे कुपवाड़ा से, हम यहाँ से वापस जाएँगे कुपवाड़ा। ये हम एक ऐसे पॉइंट पे आए जहाँ से दूध पथरी का रास्ता जाता है। पिछले साल मैं दूध पथरी गया था बट अनफॉर्चुनेटली उसकी वीडियो डिलीट हो गई थी। तो यार यहाँ श्रीनगर आके सबसे पहले मैंने यहाँ पे आके लंच वगैरह किया, बाइक वगैरह पे सामान लोड कर रहा हूँ और अब यहाँ से निकलना है कुपवाड़ा, मिलना है अपने दोस्त से जिसको मैं गुरेश छोड़ के आया था, गुरेश नहीं कुपवाड़ा छोड़ के आया था, वहाँ से गुरेश चला गया था। और बाइक की चेन भी थोड़ी सूख गई है,
अगर रास्ते में वो पट्टन बारामूला का KTM सर्विस सेंटर मिला तो वहाँ चेन का काम करवा लेंगे। बाकी अंसार भाई थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा लगा इधर रह के। अभी फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं और फिर कभी जब भी मौका लगेगा मैं इधर ही आ जाऊँगा। ठीक है ठीक है, बाय बाय। खेरा एसजे व्लॉग्स आई लव यू। भाई कितनी ज़्यादा भीड़ है यार इधर। एक्चुअली स्कूल की अभी जस्ट छुट्टी हुई है, बस मेरे ख्याल से एक बार लेफ्ट लेते ही भीड़ भीड़ ख़त्म हो जाएगी शायद। ये मेरा मानना है, मानना नहीं है, ये मेरा अजम्पशन है। तो हम पहुंच गए हैं बारामूला, ये है बारामूला KTM सर्विस सेंटर। फटाफट चलते हैं, थोड़ा सा चेन ल्यूब और क्लीन वगैरह देखते हैं, अगर इनके पास वॉश वगैरह होगा तो वॉश भी करा लेंगे। भैया वॉश सही हुआ क्या? बाइक वॉश हो जाएगी, सही हुआ नहीं हुआ अभी भी? नहीं अभी नहीं हुआ सही। अरे यार भाई ऐसे आसार लग रहे हैं कि आगे बारिश मिलेगी। ओ बारिश होने भी लगी, बारिश हो रही है। तो एक काम करता हूँ मैं, गोप्रो ओप्रो हटा ही लेता हूँ और सीधा मिलते हैं कुपवाड़ा में होटल पे। तो भाई हम आ गए होटल, अपने होटल जिस होटल में फर्स्ट टाइम हम कुपवाड़ा आए थे और यहाँ रुके थे उसी होटल में रुके। अगर आपको याद होगा तो इसी रूम में हम ठहरे हुए थे, आसिफ मिलने भी आया था और आज हम यही राज पैलेस में रुके हुए हैं। केवी कैसा रहा तुम्हारा गुरेज ऑल टुगेदर? गुरेज बहुत ही अच्छा था। राजस्थान पे बहुत सारी बर्फ मिली और मौसम बिगड़ गया अचानक से, तो ठंड बहुत ही ज्यादा थी। गुरेज बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी जगह है। आप कोशिश करना कि फैमिली के साथ या फिर फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अकेले मज़ा नहीं आया मेरे को। ऑब्वियसली आई वॉज मिसिंग शुभम भाई और इनको किसी काम से कहीं जाना पड़ा था, तो वो थोड़ा सा मिसिंग पार्ट था। बाकी गुरेज बहुत खूबसूरत है और एक और पंगा हो गया था मेरी बाइक के साथ, वो आप मेरी वीडियो देखना आपको पता चलेगा। तो जिसको जिसको गुरेज देखना है, केवी का चैनल है राइड विद कर्मा, उसमें इसने गुरेज दिखाया है। बर्फ बहुत ज्यादा था क्या राजस्थान पे? काफी इतनी बर्फ थी, मेरे हाइट से ज्यादा बर्फ थी। मैं भी चला जाऊं क्या? नहीं फिलहाल एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं। इसको खाना है, मुझे तो नहीं खाना, मुझे शेविंग करानी है। तो भाई बढ़िया, अपना इधर थोड़ा सा शेविंग वगैरह कराने के बाद हम वापस आ गए हैं। यहाँ पे एडिटिंग चल रही है, के भी यहाँ पर बैठ के ये भी एडिटिंग कर रहा है। सामान हमारा इधर बिखरा पड़ा है, इन सब चीजों को अभी इधर ऐसे ही रहने देते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे चाहिए एटलीस्ट 10 घंटे की नींद, जो कि अभी मिलना तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी हमें कल सुबह निकलना है बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे और बहुत ही यूनिक लोकेशन पे। आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, इस काम को कंप्लीट करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। आई होप आपको अभी तक का एपिसोड मज़ा आ रहा होगा देख के, और अगर आपको पसंद आ रहा है और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। मिलते हैं गाइस बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड में नए नए नज़ारों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।